अरे आंटी, आप नाराज क्यों होती हैं? अंकल ने तो आपसे सिर्फ एक सवाल ही पूछा था, आप सिंपल जवाब दे देती। अंकल ने कुछ समझने की कोशिश क्यों नहीं की? जरूरी तो नहीं इंसान हर बात का जवाब जुबान से ही दे। आंटी जवाब नहीं देंगी। मैं जवाब दूं ना दूं, तुम्हें क्या है? लेकिन आंटी, आपके इंतजार में अंकल कब से बैठे हैं? ये सही बात नहीं है, बहुत अजीब है। अंकल आप ही आंटी को आराम से बातें समझा दें। खुद समझाओ उसे, वो खुद समझे। मैं समझा तो रहा हूँ, मैं उनको बता चुका हूँ कि आपने कितने गिफ्ट इकट्ठे किए हैं। लेकिन इसने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया। क्या मतलब? अंकल आपने कभी सरप्राइज नहीं दिया? मुंह पे तो हाथ रखो गंदे कहीं के। उफ, इंसान जमाई भी सुकून से नहीं ले सकता। तौबा है सईदी। हाँ तुमसे तौबा है मेरी। हाय मेरी कमर, मेरी कमर। बोलो। मेरा दिल धड़का दिया, निकलो यास। जरा जरा सी बात पे डर जाती हो। हाँ मेरा दिल कमजोर है, मुझे जरा जरा सी बात पर घबराहट हो जाती है। मैं क्या कहने वाली थी? तुम दोबारा भूल गई? नहीं भूली, मैं नहीं भूलती। हाँ तुम्हारी याददाश्त तो कयामत है, कयामत। अच्छा बताओ, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें पहली बार कब किस किया था? कब किया था किस? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे हुआ था, हमारी जवानी में यही तो हुआ था। मैंने कहा था करने को? ऊपर ऊपर से तो मना किया था, लेकिन दिल में बहुत खुश हुई थी। मान ही नहीं सकते। अगर तुमने खुशी से इजाजत दी होती तो मैं सिर्फ किस ही ना करता। आज ऐसा नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब हो जाएगा। मुझे अब तो अपने काबिल समझ लो जान। किसी खुश फहमी में मत रहना, मैं आज भी वही हूँ। चलो ठीक है, फिर तो मैं इसके बगैर ही ऊपर चला जाऊंगा मेरी जान। अच्छा भाई आ जाओ। हो अब मैं इसकी वजह से अगले 10 साल नहीं मरने वाला। ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अभी तो हम एक दूसरे के करीब आए, फिर से भूल गई? नहीं इस बार मुझे सब याद है। आओ इसी बहाने एक और हो जाए, डरामे बस। खबरदार। अरे नहीं आऊंगी। आओ मेरी जान। नहीं आऊंगी, यहीं रहो। मैंने कहा यहाँ आओ। नहीं करो ना। अरे इधर आओ। नहीं आऊंगी। आ जाओ। देखो मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। अच्छा तो क्या कह रहे थे हम? जी बताइए। हाँ राजीनामे पे बात कर रहे थे। इत्तेफाक करती हैं आप? पॉजिटिव पहलू निकले तब। देखिए निकल गया ना। हाँ निकल गया। चलते हैं फिर। हम लड़ते झगड़ते हैं, हार मान जाते हैं, जिंदगी को नहीं बदलने देते। चाहे कुछ भी हो जाए ये याद रखते हैं, हम एक दूसरे को चाहते हैं। तुम लोग भी याद रखो, अगर कोई मसला हो तो कभी अपने तक ना रखो बल्कि शेयर करो, सब ठीक हो जाएगा। सईदी अंकल, फायजा आंटी, आज तो दोस्ती भी हो गई। बिल्कुल हो गई है बिल्कुल। इन बच्चों ने सिखा दिया है कि जिंदगी अजीम होती है, चलती रहती है, और हमें भी इसके साथ चलना है।